हेलो, माय नेम इज जसविंदर सिंह और मैं वापस आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं किया, बिकॉज आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जाना चाहूंगा, पर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी गाने को मिस ना करें। मैं आपको 10 गाने शेयर करने जा रहा हूँ आज जो आपकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रेड बटन जो है वहां प्रेस करिए सब्सक्राइब का, और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बिना टाइम लगाए हुए आगे बढ़ते हैं। जो पहला सॉन्ग है वो है द रूप का, और सॉन्ग नेम इज ऑन फायर। तो मैं आपके लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सॉन्ग प्ले करना चाहूंगा बिकॉज ज्यादा वक्त नहीं है, सो वीडियो लंबी हो जाएगी, सो इसलिए चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस सॉन्ग को बार बार सुनने से। I'm a human, not a soul. I can make a change and go wherever I want to. They told me, baby, I'm too old, but there's fire in my soul. The heat is getting higher. I feel that I'm on fire. The world is my desire. I feel that I'm on fire. इस सॉन्ग के बारे में आप देख सकते हैं लगभग इसके 78,000 जो हैं वो लाइक्स हैं, और लगभग 3 मिलियन व्यूज के आसपास इसके व्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिहाना का डायमंड। सो बेस्ट सॉन्ग एवर इन माय लाइफ, ऐसा सॉन्ग मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं सुना और बाद में भी नहीं सुना। ये एक यूनिक टाइप का सॉन्ग है। इसकी तरफ बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, ज्यादा वक्त ना होने की वजह से मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। इसके 1 बिलियन प्लस व्यूज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और 6.4 मिलियन व्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करके दिखाता हूँ आपको, सो दैट यू कैन लिसन अप इट। Shine bright like a diamond. दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जो मैं बार बार सुनता रहता हूँ और कभी भी बोर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, एलन वॉकर का सॉन्ग है फेडेड, दैट इज वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप सुन के दोबारा बार बार सुनेंगे, मेरी ये गारंटी है। इसके लगभग 2 बिलियन व्यूज हैं। आप इस सॉन्ग के व्यूज देख सकते हैं, लगभग 2 बिलियन व्यूज हैं। और आप देख सकते हैं लगभग 19 मिलियन इसके लाइक्स हैं इस सॉन्ग के। सो आगे करके आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट सॉन्ग पे चलते हैं गाइस, और नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो है ब्रूनो मार्स का। ब्रूनो मार्स का जो सॉन्ग नेम है ग्रेनेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी सैड सॉन्ग इंग्लिश में नहीं देखा एक्सेप्ट दिस सॉन्ग। जितना इसमें इमोशंस हैं गाइस, और किसी भी सॉन्ग में आज तक मैंने इतने इमोशंस नहीं देखे। तो आप भी सुनिए और इस सैड सॉन्ग का मजा लीजिए इंग्लिश के अंदर। आई होप आपने भी कभी सैड सॉन्ग इंग्लिश में नहीं सुना होगा। तो इसके जो व्यूज हैं वो लगभग आई कैन से दैट 923 मिलियन है। दैट इज रियली गुड, एंड 3.6 मिलियन जो है लाइक्स हैं गाइस। तो ये एक सैड सॉन्ग की कैटेगरी है, तो आप देख सकते हैं, आप इसको देखिए, आप रियली गुड फील करेंगे इसको देखने के बाद, बिकॉज आपने कभी शायद ही सैड सॉन्ग सुना हो इंग्लिश में, तो मैंने ये सुना। तो आप
अगला जो सॉन्ग है ड्रेक्स गॉड्स प्लान. सो ड्रेक्स गॉड्स प्लान दैट इज रियली नाइस सॉन्ग. ये पूरा ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, चैरिटी के बारे में बताता है. तो दैट्स रियली लवली सॉन्ग. इसका जो व्यूज है आप देख सकते हैं, 1 बिलियन व्यूज हैं गाइस और 11 मिलियन लाइक्स हैं. नॉर्मल सॉन्ग्स का इतना नहीं होता. तो ये पॉपुलर सॉन्ग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस. तो आप इसको सुनेंगे और मेरा ये वादा है ये बार बार सुनने वाले से जो बीट्स आप लाइक करेंगे. सो दे आर रियली नाइस. For them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Ain't gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hope that sometimes I'm next song jo main aapke saath share kar raha hu wo hai Shakira ka वेरी फेमस सॉन्ग वाका वाका. आपने पहले सुना भी हो सकता है बट दिस इज वेरी लवली सॉन्ग. दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट. ये हमेशा सुनना अच्छा लगता है और आप रिज्यूमिनेट करते हैं अपने आप को जब भी इस सॉन्ग को सुनते हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सॉन्ग को जरूर सुने. और इसके जो व्यूज हैं वो लगभग 2 बिलियन व्यूज हैं और 10 मिलियन इसके जो लाइक्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जब भी आप प्ले करेंगे तो यू विल कम टू नो. और इट्स रियली लवली सॉन्ग. एंड गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप आगे वाले 4 सॉन्ग भी मिस ना करें जो भी है. बट यू विल फील रियली लवली. आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप आगे इसको वीडियो को आगे देखेंगे. तो नेक्स्ट सॉन्ग इज गाइस सिया का चीप थ्रिल्स. SIA सिया चीप थ्रिल्स. और ये बेस्ट सॉन्ग है गाइस सिया का चीप थ्रिल्स. आप इसको थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग दिखाऊंगा सो दैट यू कैन कम टू नो. दैट इज रियली लवली सॉन्ग. और इसके जो व्यूज हैं वो भी 1 बिलियन के आसपास हैं और 6.2 मिलियन लाइक्स किए गए हैं इस सॉन्ग के ऊपर. और दैट इज रियली लवली सॉन्ग. It's also one of the best songs I listened in my life. So I'm going to share with you. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. अगर आपको songs को सुनने में problem आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं. Next song मैं आपको बताता हूँ. टोन्स एंड आई का है. TONES एंड आई डांस मंकी. सो इट इज अबाउट एन ओल्ड पर्सन वीडियो इन द कोरियोग्राफी. सो आई लिसन टू दिस सॉन्ग ऑल्सो लाइक अगैन एंड अगैन. दैट्स रियली लवली. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसके साथ एक वर्ड एड कर सकते हैं लिरिक्स. तो आपको उस सॉन्ग का जो भी सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं उसका लिरिक्स मिल जाएगा. तो लिरिक्स वर्ड ऐड कर लें. अगर आपको इसकी लिसनिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपका लिसनिंग स्किल डेफिनेटली इंप्रूव होगा अगर आप इसके लिरिक्स को सुनते हैं. तो सो लिरिक्स वर्ड मैंने टाइप कर दिया है LYRICS. तो आप लिरिक्स वर्ड ऐड कर देंगे तो आपको उस सॉन्ग का लिरिक जो है वो मिल जाएगा ताकि आप उसको सुन पाएंगे आसानी से. तो So guys, इस सॉन्ग के जो व्यूज हैं वो लगभग 839 मिलियन हैं और जो इसके लाइक्स हैं 8.1 मिलियन हैं गाइज. मैं वेट नहीं करवा सकता आपसे और बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जो लैंका का है एवरीथिंग एट वंस. और अगर आपने कभी इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुने अपनी लाइफ के अंदर और आपको शौक नहीं है इंग्लिश सॉन्ग सुनने का तो ये सबसे बेस्ट सॉन्ग है गाइज जो आप सुनेंगे और रिपीटेडली सुनेंगे. मैं श्योर कहता हूँ आप रिपीटेडली सुनेंगे. मैं इस सॉन्ग का वीडियो प्ले नहीं कर रहा, वीडियो ये रहा, और मैं आपके लिए लिरिक्स प्ले कर रहा हूँ सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाउ यू कैन फील अबाउट इट.
It's really lovely tone and really lovely, lovely, lovely tone, I would say. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. Let's go to the last song, 10th song, and that is Numb by Linkin Park. And that's the best song, I would say, that ever I have listened in my life. Whenever I feel distressed or stressed, I listen to this song. सबसे पहले बता देना चाहूंगा, this is hard rock. अगर आपने hard rock पहले कभी नहीं सुना तो आपको ये अच्छा नहीं लगने वाला, बट इफ यू पुट लिरिक्स इन दैट इन दिस इफ यू ऐड द वर्ड लिरिक्स इन द एंड हियर दिस लिरिक्स वर्ड LYRICS एंड यू वुड बी एबल टू लिसन टू इट प्रॉपरली एंड देन यू कैन गो बैक टू द वीडियो अगेन. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, सो यू कैन लिसन अ लिटिल बिट. इसके व्यूज की बात करते हैं तो लगभग 1 billion व्यूज हैं गाइस, 8 million लाइक्स के साथ, सो दैट यू कैन लिसन टू दिस. गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना. प्रेस द रेड बटन एंड द बेल बटन ऑल्सो क्लिक, बिकॉज आने वाली वीडियोज आप मिस नहीं करोगे. आई एम श्योर दैट आपको कोई गाना अच्छा लगा हो इनमें से तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आगे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा. अगर आपको अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो प्लीज लिरिक्स वर्ड ऐड कर लें साथ में. जब भी आप वीडियो को सर्च करते हैं तो आपको लिरिक्स यूट्यूब पे इजिली अवेलेबल है, मिल जाएगा. आप उस लिरिक्स को देखें, फिर वीडियो को देखें, फिर लिरिक्स को देखें, फिर वीडियो पे देखें. इस तरह से अगर आप करते जाते हैं तो आपका लिसनिंग स्किल इतना पावरफुल और इम्प्रूव हो जाता है कि आप आने वाले टाइम में लिसनिंग टेस्ट को इजिली पास कर सकते हैं. इन दिनों में आप फ्री हैं, सो दैट यू कैन डू इट. एंड प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. हेलो, माय नेम इज जसविंदर सिंह और मैं वापस आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके. और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं किया, बिकॉज आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जाना चाहूंगा, पर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी गाने को मिस ना करें. मैं आपको 10 गाने शेयर करने जा रहा हूं आज जो आपकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्प करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. रेड बटन जो है वहां प्रेस करिए सब्सक्राइब का, और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. बिना टाइम लगाए हुए आगे बढ़ते हैं. जो पहला सॉन्ग है वो है द रूप का, और सॉन्ग नेम इज ऑन फायर. तो मैं आपके लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सॉन्ग प्ले करना चाहूंगा बिकॉज ज्यादा वक्त नहीं है, सो वीडियो लंबी हो जाएगी. सो इसलिए चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा. आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस सॉन्ग को बार बार सुनने से. I'm a human, not a soul. I can make a change and go wherever I want to. They told me, baby, I'm too old, but there's fire in my soul. The heat is getting higher. I feel that I'm on fire. The world is my desire. I feel that I'm on fire. इस सॉन्ग के बारे में आप देख सकते हैं लगभग इसके 78,000 जो हैं वो लाइक्स हैं, और लगभग 3 million व्यूज के आसपास इसके व्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे. दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिहाना का डायमंड. सो बेस्ट सॉन्ग एवर इन माय लाइफ. ऐसा सॉन्ग मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं सुना और बाद में भी नहीं सुना. ये एक यूनिक टाइप का सॉन्ग है. इसकी तरफ बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं. थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, ज्यादा वक्त ना होने की वजह से मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ. इसके 1 billion प्लस व्यूज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और 6.4 million व्यूज हैं.
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करके दिखाता हूँ आपको, सो दैट यू कैन लिसन अ बिट. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. This is my all time favorite song, जो मैं बार बार सुनता रहता हूँ और कभी भी बोर नहीं होता. आगे बढ़ते हैं, एलन वॉकर का सॉन्ग है फेडेड. That is very nice song, बहुत अच्छा सॉन्ग है. आप सुन के दोबारा बार बार सुनेंगे, मेरी ये गारंटी है. इसके लगभग 2 बिलियन व्यूज हैं. आप इस सॉन्ग के व्यूज देख सकते हैं, लगभग 2 बिलियन व्यूज हैं. और आप देख सकते हैं लगभग 19 मिलियन इसके लाइक्स हैं इस सॉन्ग के. सो आगे करके आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ. Out of sight, wanna see you. I love. Where are you now? Where are you? I hope आपको अच्छा लगेगा. So next song पे चलते हैं guys. और next song जो है वो है Bruno Mars का. Bruno Mars का जो song name है Grenade, मुझे बहुत अच्छा लगता है guys. क्योंकि आज तक मैंने कोई भी सैड सॉन्ग इंग्लिश में नहीं देखा एक्सेप्ट दिस सॉन्ग. जितना इसमें इमोशंस हैं गाइस, और किसी भी सॉन्ग में आज तक मैंने इतने इमोशंस नहीं देखे. तो आप भी सुनिए और इस सैड सॉन्ग का मजा लीजिए इंग्लिश के अंदर. आई होप आपने भी कभी सैड सॉन्ग इंग्लिश में नहीं सुना होगा. तो इसके जो व्यूज हैं वो लगभग आई कैन से दैट 923 मिलियन है. दैट इज रियली गुड. एंड 3.6 मिलियन जो है लाइक्स है गाइस. तो ये एक सैड सॉन्ग की कैटेगरी है, तो आप देख सकते हैं. आप इसको देखिए, आप रियली गुड फील करेंगे इसको देखने के बाद, बिकॉज आपने कभी शायद ही सैड सॉन्ग सुना हो इंग्लिश में. तो मैंने ये सुना. तो आप अगला जो सॉन्ग है ड्रेक्स गॉड्स प्लान. सो ड्रेक्स गॉड्स प्लान, दैट इज रियली नाइस सॉन्ग. ये पूरा ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, चैरिटी के बारे में बताता है. तो दैट्स रियली लवली सॉन्ग. इसका जो व्यूज है आप देख सकते हैं, 1 बिलियन व्यूज हैं गाइस और 11 मिलियन लाइक्स हैं. नॉर्मल सॉन्ग्स का इतना नहीं होता. तो ये पॉपुलर सॉन्ग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस. तो आप इसको सुनेंगे और मेरा ये वादा है, ये बार बार सुनने वाले जो बीट्स आप लाइक करेंगे. सो दे आर रियली नाइस. God's plan, God's plan. I hope that sometimes I won't. Next song जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है शकीरा का very famous song Waka Waka. आपने पहले सुना भी हो सकता है, but this is really lovely song. This is my all time favorite. ये हमेशा सुनना अच्छा लगता है और आप rejuvenate करते हैं अपने आप को जब भी इस सॉन्ग को सुनते हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सॉन्ग को जरूर सुने. और इसके जो व्यूज हैं वो लगभग 2 बिलियन व्यूज हैं और 10 मिलियन इसके जो लाइक्स हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी आप प्ले करेंगे तो यू विल कम टू नो. और इट्स रियली लवली सॉन्ग. एंड गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप आगे वाले 4 सॉन्ग भी मिस ना करें जो भी है. बट यू विल फील रियली लवली. आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप आगे इसको वीडियो को आगे देखेंगे. तो नेक्स्ट सॉन्ग इज गाइज सिया का चीप थ्रिल्स. SIA सिया चीप थ्रिल्स. और ये बेस्ट सॉन्ग है गाइज सिया का चीप थ्रिल्स. आप इसको थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग दिखाऊंगा सो दैट यू कैन कम टू नो. दैट इज रियली लवली सॉन्ग. और इसके जो व्यूज हैं वो भी 1 बिलियन के आसपास हैं और 6.2 मिलियन लाइक्स किए गए हैं इस सॉन्ग के ऊपर. और दैट इज रियली लवली सॉन्ग.
It's also one of the best songs I listened in my life, so I'm going to share with you. अगर आपको सॉन्ग्स को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं. नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपको बताता हूँ टोन्स एंड आई का है, TONES एंड आई, डांस मंकी. सो इट इज अबाउट एन ओल्ड पर्सन्स वीडियो इन द कोरियोग्राफी. सो आई लिसन टू दिस सॉन्ग ऑल्सो लाइक अगैन एंड अगैन, दैट्स रियली लवली. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसके साथ एक वर्ड ऐड कर सकते हैं लिरिक्स, तो आपको उस सॉन्ग का जो भी सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं उसका लिरिक्स मिल जाएगा. तो लिरिक्स वर्ड ऐड कर लें. अगर आपको इसकी लिसनिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपका लिसनिंग स्किल डेफिनेटली इंप्रूव होगा अगर आप इसके लिरिक्स को सुनते हैं. तो सो लिरिक्स वर्ड मैंने टाइप कर दिया है LYRICS. तो आप लिरिक्स वर्ड ऐड कर देंगे तो आपको उस सॉन्ग का लिरिक जो है वो मिल जाएगा ताकि आप उसको सुन पाएंगे आसानी से. तो So guys, इस सॉन्ग के जो व्यूज हैं वो लगभग 839 मिलियन हैं और जो इसके लाइक्स हैं 8.1 मिलियन हैं. गाइज मैं वेट नहीं करवा सकता आपसे और बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जो लैनका का है एवरीथिंग एट वंस. और अगर आपने कभी इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुने अपनी लाइफ के अंदर और आपको शौक नहीं है इंग्लिश सॉन्ग सुनने का तो ये सबसे बेस्ट सॉन्ग है गाइज जो आप सुनेंगे और रिपीटेडली सुनेंगे. मैं श्योर कहता हूँ आप रिपीटेडली सुनेंगे. मैं इस सॉन्ग का वीडियो प्ले नहीं कर रहा, वीडियो ये रहा, और मैं आपके लिए लिरिक्स प्ले कर रहा हूँ सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाउ यू कैन फील अबाउट इट. इट्स रियली लवली टोन एंड रियली लवली 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 टोन. आई एम सेइंग as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. Let's go to the last song, a 10th song, and that is Numb by Linkin Park, and that's the best song I would say that ever I have listened in my life. Whenever I feel distressed or stressed, I listen to this song. सबसे पहले बता देना चाहूँगा this is hard rock. अगर आपने hard rock पहले कभी नहीं सुना तो आपको ये अच्छा नहीं लगने वाला. But if you put lyrics in that, in this, if you add the word lyrics in the end here, this lyrics word LYRICS, and you would be able to listen to it properly, and then you can go back to the video again. So it's really interesting. So you can listen a little bit. इसके views की बात करते हैं तो लगभग 1 billion views हैं guys, 8 million likes के साथ. So that you can listen to this. गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना. प्रेस द रेड बटन एंड द बेल बटन ऑल्सो क्लिक बिकॉज आने वाली वीडियोज आप मिस नहीं करोगे. आई एम श्योर दैट आपको कोई गाना अच्छा लगा हो इनमें से तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आगे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा. अगर आपको अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो प्लीज लिरिक्स वर्ड ऐड कर लें साथ में. जब भी आप वीडियो को सर्च करते हैं तो आपको लिरिक्स यूट्यूब पे इजिली अवेलेबल है, मिल जाएगा. आप उस लिरिक्स को देखें, फिर वीडियो को देखें, फिर लिरिक्स को देखें, फिर वीडियो को देखें. इस तरह से अगर आप करते जाते हैं तो आपका लिसनिंग स्किल इतना पावरफुल और इम्प्रूव हो जाता है कि आप आने वाले टाइम में लिसनिंग टेस्ट को इजिली पास कर सकते हैं. इन दिनों में आप फ्री हैं सो दैट यू कैन डू इट. एंड प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.